नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में बीजेपी को एक मुद्दे पर जमकर फायदा मिलने वाला है और वो है कानून व्यवस्था का मुद्दा। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब से यूपी की सत्ता संभाली है तभी से बाहुबलियों और माफियाओं के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। अरबों की काली संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया है। हजारों अपराधियों के एनकाउंटर किए जा चुके हैं। जो कल तक मसनद लेकर हवेलियों में बैठ रहे थे वो अब जेल की काल कोठरियों में सड़ने को मजबूर है। योगी आदित्यनाथ की ही देन है कि माफिया जेल से बाहर ही नहीं आना चाहते और जनता ये अच्छे से तर जानती है कि 2017 से पहले और 2017 के बाद कानून व्यवस्था में अंतर साफ तौर पर दिखाई देता है और इसका सीधा श्रेय सीएम योगी को जाता है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की कमान जब से योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई है, यूपी की धरती पर माफियाओं और बाहुबलियों की शामत ही आ गई। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़कर के चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। चाहे मुख्तार हो या फिर अतीक अहमद, सबके सब जान बचाकर जेल में पड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में जब यूपी की सत्ता संभाली तो पहली ही चेतावनी माफियाओं और बाहुबलियों को दे दी कि अगर यूपी में रहना है तो कायदे से रहना होगा, नहीं तो दो जगह अपने लिए खुद चुनने, एक ऊपर दूसरी राज्य के बाहर। वहीं जो 2017 के पहले तक बाहुबली बनकर करोड़ों की जमीन को हथिया रहे थे और अपना काला साम्राज्य बढ़ा रहे थे, उनके काले साम्राज्य पर योगी ने ताबड़तोड़ बुलडोजर चलवाकर बाहुबलियों के साम्राज्य को नेस्तनाबूत कर दिया। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों की काली कमाई जब्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। मार्च 2017 से जुलाई 2021 के बीच पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया और अपराधियों की रिकॉर्ड 1848 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की। माफिया के कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर बेधड़क चला है। 2017 से अब तक गैंगस्टर एक्ट के तहत 13,801 मुकदमे दर्ज कर 43,294 आरोपितों की गिरफ्तारी की गई है। 630 आरोपितों के विरुद्ध रासुका के तहत भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा 25,000 रुपए तक के 10,402 इनाम घोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 50,000 रुपए से अधिक के 107 अपराधी पकड़े गए। गैंगस्टर एक्ट के तहत 1447 प्रकरणों में पुलिस ने माफिया व अपराधियों की 1848 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति जब्त की। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि सूचीबद्ध 25 माफिया के विरुद्ध भी अभियान के तहत निरंतर कार्रवाई की जा रही है। सूचीबद्ध माफिया की 702 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। इनमें मुख्तार अंसारी व उसके गिरोह के सदस्यों की 194 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। माफिया अतीक अहमद और उसके गिरोह के सदस्यों की 355 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। इसी प्रकार कुख्यात सुंदर भाटी और गिरोह के सदस्यों की 63 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। माफिया कुंटू सिंह की 17 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। सूचीबद्ध माफिया व उनके गुर्गों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत अब तक 250 से अधिक शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त कराए गए हैं। अवैध निर्माण ध्वस्त कराने के साथ ही कई सरकारी जमीनों को भी माफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया है।
अगर यूपी में सत्ता की बात करें तो 2017 से पहले ऐसा कोई कदम किसी सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया जिससे माफियाओं में भय फैले, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद माफियाओं के मन का डर जनता ने साफ देखा। चाहे बुलडोजर की कार्रवाई हो या फिर एनकाउंटर की संख्या की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का नाम बतौर सीएम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सकता है। खैर, 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में जरूर ताल ठोकेगी और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि जिस यूपी का नाम माफिया राज की वजह से बदनाम था वहां अब कानून व्यवस्था का पलड़ा माफिया राज पर भारी चल रहा है और इसका सीधा श्रेय योगी को, तो सीधा फायदा 2022 में बीजेपी को मिलेगा। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो अब यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कानून व्यवस्था की तारीफ की जा रही है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से माफियाओं पर और कुख्यात बदमाशों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है, उसको लेकर अब योगी सरकार अपने कसीदे पढ़ने में लगी हुई है। जहां एक तरफ कानून व्यवस्था की लगातार बीजेपी तारीफ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल लगातार सरकार पर तंज कसने का आरोप लगा रहे हैं। और आज ही हमारा मुद्दा है कि कानून व्यवस्था का हाल आखिरकार यूपी में कितना है, क्या कानून व्यवस्था जिस प्रकार से दिखाई दे रही है उसको लेकर क्या हमको एक बार फिर से बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है या फिर विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं उनके आरोप सत्य हैं। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ चुके हैं विवेक पांडे, समाजवादी पार्टी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले विवेक पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिस प्रकार से इस वक्त कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, जहां इस तरफ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, जहां लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसता दिखाई दे रहा है, क्या लगता है कानून व्यवस्था इस वक्त यूपी में दुरुस्त हो चुकी है? देखिए, पूरे मंच को सविनय धन्यवाद देते हुए, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि मौजूदा सरकार की नजर में अवैध निर्माण और अवैध कब्जों की परिभाषा क्या है, पहली चीज। दूसरी बात, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की रिपोर्ट और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपी विधानसभा में 53.2% जो इनके विधायक हैं वो आपराधिक छवि के हैं। 2017 में जो इन्होंने 312 सीट जीती थी उसमें 114 पे गंभीर आपराधिक मामले और 83 जघन्य मामलों के साथ 8 ऐसे हैं जिनके ऊपर की बहुत ही गंभीर श्रेणी के अपराधों की विवेचना जारी है। बहरहाल सरकार ने तो घोषणा भी कर दी है कि वो अपने ऊपर जितने भी उनके कार्यकर्ता या विधायक हैं सबके मामले वापस ले रही है। तो इससे अच्छा उदाहरण मुझे नहीं लगता कि पूरे देश के लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता कि अपराधी आपके साथ हो जाएं और उसके बाद वो गंगा जल की तरह शुद्ध और पवित्र कर दिए जाएं। इसी क्रम में अभी रीता बहुगुणा जोशी जी का एक स्टेटमेंट आजकल बड़ा वायरल हो रहा है। मुझे उनकी कष्ट और पीड़ा को देखते हुए बड़ा ये कहने में दुख हो रहा है कि देखिए, भाजपा में ये भी आप देख लीजिए कि ब्राह्मणों की दुर्दशा किस तरह से नैतिकता के आधार पर बनाई जा रही है। जिसने उनके घर को जलाया उसी को पद दे दिया, कानपुर में हिस्ट्री शीटर को पदाधिकारी बना दिया संगठन में। इसी क्रम में पुलिस से छुड़ा के अपराधियों को भगाने वालों को पद दे दिया जाता है। तो मौजूदा सरकार तो पहले यह बताए कि अपराधीकरण या अपराध कौन संरक्षित कर रहा है, कहां फल रहे हैं, कहां फूल रहे हैं। दूसरी बात, मुझे यह बताइए जो आज विषय आपने रखा, क्या मौजूदा सरकार ने जितने भी अवैध निर्माण या जितने भी ध्वस्तीकरण के कार्यक्रम या प्रयोजनों पे वाहवाही लूटने का प्रयास किया है, इसमें भाजपा के पदाधिकारी कितने हैं? क्योंकि मैं जहां तक समझ पाता हूं कि भाजपा के पदाधिकारियों के अवैध निर्माण, अवैध कब्जे पे इनके बुलडोजर के या इनके जो जाते हैं कार्रवाई करने वाले उनकी गाड़ियों के तेल समाप्त हो जाते होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, कोविड जब शुरू हुआ था, क्योंकि यह प्रकरण आपके चैनल पे भी उठाया जा चुका है, कोविड जब शुरू हुआ था मुंबई से एक परिवार लौटा। वो परिवार, जैसे कमाने के लिए लोग पहले मुंबई दूसरे शहरों में चले जाते थे, वो लौटे। इनके भाजपा के पदाधिकारी आजमगढ़ मेनगर जो वहां की विधानसभा है वहां बछोले ग्राम है, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, 2-3 बार महाप्रधान प्रधान रह चुके हैं गांव के, भाजपा के अच्छे जिले के नेता माने जाते हैं।
उन्होंने मुंबई से लौटने वाले पूरे परिवार की संपत्ति कब्जा कर ली, अवैध निर्माण कर लिया, और बल्कि उसकी 40 साल 30 साल 35 साल जो बाहर थे उनकी खेती की जुवाई बोताई सबको कटवा करके बेच करके इन्होंने अस्पताल भी बनवा लिया अवैध, खरियानी में वही बगल में वो एक बाजार है। तो मेरा तो ये कहना है कि आपके बुलडोजर आपके अपने भाजपा के पदाधिकारियों पे तो चलते नहीं है, और संरक्षण कहां से मिलता है वो भी सुन लीजिए, संरक्षण मिलता है गोरखपुर से, इनके पुराने जो इनका पुराना जहां से ये संचालित करते थे, सुनने मिलता है कि वहां पे कोई इनके बहुत पुराने कोई पुलिस विभाग के कोई हैं जो काफी समय से ट्रांसफर नहीं हुए, वो इनका काम हम देखते हैं गोरखपुर से, तो वो संरक्षित करते हैं ऐसे लोगों को पूर्वांचल में कि भाई आप अवैध निर्माण अवैध कब्जा करते रहिए, बस यहां आके हाजिरी लगाते रहिए, हमारी अफवाही करते रहिए, हमारा शिष्टाचार मेंटेन रखिए, बाकी आप जो करना है करते रहिए। तो ये सवाल तो पहले तो योगी आदित्यनाथ बताएं कि अवैध निर्माण अवैध कब्जों के श्रेणी में जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनके ऊपर बुलडोजर कब चलवाएंगे। महेश्वरीकांत पांडे के नाम पे तो आज तक इनका बुलडोजर ना चला, आखिर जो पीड़ित परिवार है वो 2 साल से किराए पे रह रहा है, वीडियो वायरल किया उसने, वीडियो से निवेदन किया क्योंकि कोविड में लॉकडाउन लगा था, IGRS डाली, प्रधानमंत्री तक पत्र लिखा गया, राष्ट्रपति तक पत्र लिखा गया, लेकिन क्या हुआ, क्षेत्रीय पुलिस को साठगांठ करके, क्षेत्रीय पुलिस के कोई दरोगा जी थे वहां के उदयराज सिंह, उनसे उन्होंने साठगांठ लेके, क्योंकि उन्होंने पीड़ित से मांगे 50,000 रुपए, जब पैसे नहीं मिले तो नेताजी के प्रभाव में तो उनको वैसे भी चाटुकारिता करते हुए उन्होंने रिपोर्ट एक तरफा लगा दी, रिपोर्ट चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगी तो ऐसा लगेगा कि एक तरफा पूरी कहानी रटी गई है उसमें। तो पीड़ित को अति पीड़ित करते हुए जब आप केवल कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण रूप से दूसरों पे करेंगे, तो आप मुझे तो पहले इसका जवाब दीजिए कि आपकी नजर में अतिक्रमण अवैध निर्माण और संपत्ति पे कब्जे करने का जो मूल अर्थ होता है, पहले तो वो भाजपा स्पष्ट करे कि इनकी नियति क्या है। जी विवेक जी, आपके आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे साथ भाजपा से इस वक्त केसी जैन जुड़ चुके हैं। तो केसी जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो केसी जैन जी, सीधे तौर पर आप पर आरोप लगाए गए हैं, आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि जिस कानून व्यवस्था की इस वक्त आप दुहाई दे रहे हैं उसमें कार्यवाही एक तरफा की जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की ओर काम किया जा रहा है, माफियाओं पर और आतंकियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, वो कार्यवाही एक तरफा है? देखिए, वास्तविकता ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में चाहे सरकार के स्वयं के टेंडर रहे हों, अपने चहेतों को टेंडर देने में चाहे घोटाला किया गया हो, या इनके मंत्री विधायकों ने बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए वो लोग जो लोग माननीय अखिलेश यादव जी की टीम के सबसे मुख्य लोग माने जाते थे, उनकी संपत्ति की अगर जांच कराई जाए, आज के समय में 1,000 करोड़ रुपए के मालिक बने बैठे हैं, जबकि उसके पहले उनके पास में मजबूत मोटरसाइकिल तक नहीं हुआ करती। आप देखिए कि सिंचाई विभाग ने जो टेंडर जारी किया था केवल रिवर फ्रंट के, उसमें किस प्रकार से घोटाला हुआ, 1,500 करोड़ रुपए का लगभग उसमें घोटाला हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के कई लोगों के साथ साथ कई इंजीनियर कई ठेकेदार उसमें जेल जा चुके हैं। इसी तरीके से आप देखिए आजम खां जी की जो संपत्ति है और उनके बेटे ने जिस प्रकार से चाहे वीजा हो पासपोर्ट हो और डबल डबल वीजा डबल डबल पासपोर्ट और कई सारे संपत्ति के मामले उन लोगों के खिलाफ दर्ज है और तीनों की तीनों माँ बेटे और बाप सब की सब जेल में है। तो देखिए, हो सकता है, मैं मान सकता हूँ समाजवादी पार्टी के साथी की बात कि सरकार आपके खिलाफ द्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है, लेकिन वही लोग जब छूट जाते हैं न्यायालय से, जब उनकी जमानत हो जाती है, तो आप ताली पीट पीट करके कहते हैं देखिए ये कन्विक्शन नहीं हो पाया, उसमें सजा नहीं हो पाई और ये बरी हो गए। तो आपके मंत्री आजम खां गायत्री प्रजापति जैसे लोग और जिनको आप लगातार प्रेशर देते रहे बढ़ावा देते रहे अपराधियों को, वो चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, ऐसे लोगों की जमानत क्यों नहीं हो पा रही है? माननीय न्यायालय के द्वारा आप लोगों के हर तरीके से पैरवी करने के बाद में भी न्यायालय के द्वारा उनको क्यों नहीं बरी कर दिया जा रहा है? तो ऐसे तो आप बहुत दुहाई देते हैं कि देखिए न्यायालय ने फला आदमी को बरी कर दिया, आपने फर्जी फंसा दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक रहे मंत्री रहे कैबिनेट मंत्री रहे
वो चाहे गायत्री प्रजापति हो या आजम खां हो या बाहुबली लोग हो जिनको आपने प्रश्रय दिया, जिनके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज अगर बुलडोजर चल रहा है, वो चाहे अतीक अंसारी की संपत्ति हो और चाहे मुख्तार अंसारी की हो, चाहे अतीक अहमद की हो, तो आपको पीड़ा हो रही है। साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अरे उसके लिए आप लोग बैठे हुए, विपक्ष बैठा हुआ है, आप मुकदमा कायम कराइए। मतलब आप मानते हैं कि आप कार्रवाई नहीं करेंगे, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं हो रही है। ये देखिए, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं हो रही है। जब हम सरकार में आएंगे तब भाजपा वालों पे कार्रवाई होगी। सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि भाजपा के लोग भ्रष्ट है, नहीं नहीं के पास केसी जैन जी, सुनिए, इसको व्यक्तिगत नहीं बनाएंगे। केसी जैन जी, जांच कराइए। केसी जैन जी, निवेदन है, सुन लीजिए। केसी जैन जी, एक निवेदन है, सुन लीजिए ना। किसके साथ दिखाई देते हैं केसी जैन जी? एक निवेदन है, सुन लीजिए ना। विकास यादव के साथ दिखाई देते हैं, एक निवेदन है, सुन लीजिए। मुख्तार अंसारी के साथ दिखाई देते हैं, अरे एक निवेदन है, सुन लीजिए। के साथ दिखाई देते हैं आपकी, पहले मेरी बात आ जाए फिर मैं सुनूंगा आपको। ठीक। देखिए, अतीक अहमद, विकास जो है और मुख्तार अंसारी, ऐसे लोगों पे जब कार्रवाई होती है, विकास दुबे जैसे लोगों पे कार्रवाई होती है, आप कहते गलत कार्रवाई होगी, गलत कार्रवाई होगी। नहीं कि कोई आधिकारिक स्टेटमेंट आप दिखाइए कि कहा गया हो कि गलत कार्रवाई होगी। अगर आठ पुलिस, मेरा कोई स्टेटमेंट हो तो आप दिखाइए मुझे। अगर उसका इनकाउंटर हो जाता है, नहीं आप मुद्दे को भटका रहे हैं। देखिए, ये मुद्दा तो भटका रहे हैं। नहीं, मुद्दे की कोई कार्रवाई पे उसके सवाल नहीं उठा। वो तो शुरू से कहा जा रहा है अपराधी था, उसके साथ जो कार्रवाई हुई वो सामाजिक रूप से सही थी। किसी ने विकास दुबे का नाम कोई ले ही नहीं रहा है यहाँ पे। आप विकास दुबे को जबरन घुसेड़ रहे हैं बीच में ला करके, डिबेट के बीच। मुख्तार अंसारी की संपत्तियां जब्त हो रही हैं, आपको पीड़ा हो रही है। हमें क्यों पीड़ा होगी भाई? आप कार्रवाई कर रहे हैं, आप करते रहिए कार्रवाई। समाजवादी पार्टी ने कोई आधिकारिक बयान दिया है क्या इसके लिए? हमने तो आपके सामने एक विधिक रूप से, सुन लीजिए, अरे भाई साहब सुन लीजिए, दुबे के साथ अन्याय हो गया। नहीं, खुशी दुबे की बात हुई है। खुशी दुबे के साथ अन्याय हुआ और ये बात आपके लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कल एक चैनल पे बाकायदा स्वीकार की है। आप देखिए केसी जैन जी, हम डिबेट को डिरेल ना करें, मुद्दे पे आइए। आपके ही नेता ने स्वीकार भी किया इस मुद्दे को। हम खुशी दुबे की बात करते हैं, हमको विकास दुबे से कोई मतलब नहीं है। संपत्तियां अपराधियों की जब्त हो रही हैं और अपराधियों की संपत्तियां जब्त होंगी और उन पे बुलडोजर भी चलेगा। चलाइए ना, किसी की हैसियत। अरे मैं तो कह रहा हूँ, चलाइए। लेकिन आप मुझे एक बात तो बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश में बुलडोजर केवल मुख्तार अंसारी जैसे रसूखदारी या अतीक अहमद जैसे रसूखदारी या वो लोग केवल जिससे आपको राजनीतिक नुकसान होने की आशंका है, क्या उन्हीं लोग की संपत्तियों पे चलेगा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए, आप ही बोल लीजिए। आप अपराधी क्यों नहीं कह रहे? रसूखदारी क्या होता है? अपराधी क्यों नहीं कह रहे इनको आप? अरे चलिए अपराधी कह दिया, मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए। एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी जिसकी संपत्ति पे आपके पदाधिकारियों ने कब्जा किया है, उसकी संपत्ति पे बुलडोजर कब चलेगा? उसके अवैध निर्माण पे बुलडोजर कब चलेगा? उसके लिए उसके लिए लेटर जा चुका, सुन लीजिए। IGRS भी डाली जा चुकी, योगी जी को पत्र लिखा जा चुका, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जा चुका, राष्ट्रपति को पत्र लिखा जा चुका, जांच के आदेश है। सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, पहले सुन लीजिए पूरी बात। जांच के आदेश आए और आपके नेताजी के प्रभाव में क्षेत्रीय पुलिस जाकर के रेवेन्यू के मामले में रिपोर्ट लगाती है। आप बताइए क्या कार्रवाई करेंगे? सारे दस्तावेज हैं, सारे खतिया खसरा खतौनी पे उसके नाम है, आधी संपत्ति का मालिक है। आपके पदाधिकारी महेश्वरीकांत पांडे पे आप क्यों नहीं कार्रवाई करते, बताइए ना? वहां के क्षेत्रीय पदाधिकारी, सुन लीजिए, वो दंपत्ति आपके क्षेत्रीय पदाधिकारियों से भी मदद मांगने गया, लेकिन सभी ने एक बात कही कि भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा की सरकार में केवल और केवल भाजपा के अनुसार काम होगा। अपराधी है जो भी अपराधी है जिसके पास नाजायज संपत्तियां हैं। तो आप मानते हैं कि अवैध निर्माण आप ध्वस्त करवाएंगे? आप इस पटल पे बोलिए कि महेश्वरीकांत पांडे का अवैध निर्माण आप ध्वस्त करवाएंगे? आप बोलिए, मेरी ये बात पहुंचाएंगे आप ऊपर तक? अरे आप बोलिए ना, बुलडोजर चलेगा? बात तक घुमाइए, बुलडोजर चलवाएंगे? कब चलवाएंगे बताइए? अरे मैं आपको सारे प्रमाण देता हूँ, आप सारी पे कार्रवाई सपा सरकार ने अब तक क्यों नहीं की? मैंने पूछा आप अपने पदाधिकारी पे बुलडोजर चलवाएंगे कि नहीं? अपने पदाधिकारी पे बुलडोजर कब चलवाएंगे? अरे बताइए ना, या तो बोल दीजिए, हिम्मत नहीं है भाजपा का पदाधिकारी तो हिम्मत नहीं है। आपके बुलडोजर केवल रसूख वालों पे चलते हैं, गरीब आदमी और पिछले तबके का आदमी, उसके लिए आपके पास कोई न्याय नहीं है।
सामाजिक न्याय की आप बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पदाधिकारी आधे से ज्यादा तो खुद अपराधी हैं। बोलिए ना, अरे आप बोलिए ना कि आप अपने पदाधिकारी पे बुलडोजर नहीं चलवाएंगे। अरे आप बोलिए ना, कितने अपराधियों पे आपने बुलडोजर चलाया? अरे महाराज मैं तो बोल रहा हूँ, एलडीए के बेसमेंट पे जितनी फाइलें रखी है पहले उस पर कार्रवाई करवा लीजिए, उसमें आधे से ज्यादा आपके भाजपा के पदाधिकारी हैं। अवैध निर्माण, अवैध कब्जे, एलडीए की बेसमेंट में पड़ी है फाइलें, धूल फाक रही है, करके दिखाइए कार्रवाई ना। क्या बात करेंगे केसी जैन जी, आप इतनी देर में एक शब्द नहीं बोल पाए कि आप महेश्वरी कांत पांडे की संपत्ति पे बुलडोजर चलवाएंगे, क्योंकि वो आपके पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे और इसी वजह से वो चुनाव भी हारे और अभी आप पूर्वांचल भी हारेंगे। रुक जाइए, आने दीजिए चुनाव, आप नहीं स्वीकार करेंगे ना। सवाल का जवाब ले लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ सवाल का जवाब ले लीजिए, कब चलेगा बुलडोजर, कार्रवाई नहीं होगी ना जी। केसी जैन जी, जिस प्रकार से आप पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि आपकी कार्यवाही सिर्फ एक तरफा होती है, माना आपने बुलडोजर चलवाए हैं, वहीं आजमगढ़ से जो पूरा मामला सामने आया है, जहां पर भाजपा समर्थित पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां पर उन्होंने एक परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया है, वहां पर अवैध कब्जा कर लिया है, उस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी केसी जैन जी, लेकिन उससे पहले विवेक पांडे, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी आपने केसी जैन जी से कहा है कि बुलडोजर चलाने की कार्यवाही का आप स्वागत करते हैं, आप मानते हैं कि अपराधी थे, उन पर कार्यवाही होना जरूरी था और वो बेहद सही हुआ है, तो अगर ऐसी कार्यवाही हो रही है जो कानून व्यवस्था को सही करने के लिए हो रही है, उसका राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? आपको ये अपनी बदले की कार्यवाही क्यों लग रही है? मुझे एक बात का जवाब केसी जैन जी दे दें, कार्रवाई केवल अतीक अहमद, फिर आपके मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, ये तो अपराधी है ना, इनको आप न्याय की परिभाषा से जोड़ के कैसे देख सकते हैं? आप उन पे कार्रवाई करके दिखाइए ना, जो तबका आपके रसूख को प्रभावित नहीं कर पा रहा है, जो तबका आपके अधिकारियों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। मैंने अभी एक सामान्य वरिष्ठ दंपत्ति का उदाहरण दिया, इतनी देर में केसी जैन जी अगर इतने निष्पक्ष होते और बाबा का बुलडोजर इतना मजबूत होता तो इतनी देर में कहते कि अभी यह संज्ञान में आते ही मामला हम 48 घंटे में कार्रवाई करके किराए पे रह रहे दंपत्ति को उसका अधिकार दिलाएंगे। इन्होंने अभी तक यह वक्तव्य तो दिया नहीं, ये तब से अटके हुए हैं केवल माफियाओं पे। तो मैं तो कह रहा हूं ये बुलडोजर उस पे चलवा रहे हैं जिससे इनको राजनीतिक हानि होने की संभावना है। एक सामान्य व्यक्ति किससे न्याय मांगने जाए, आप बताइए, थाने में सुनवाई नहीं, अधिकारी सुनता नहीं, रेवेन्यू सबसे भ्रष्ट बना दिया इन्होंने, और सबसे बड़ी बात सुनिए, इनके पदाधिकारियों ने, महेश्वरी कांत पांडे जी ने, जो इनके पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, उन्होंने तो कागजों पे नाम तक बदल दिए थे, कागज पे नाम दुरुस्त करवाए गए ऑर्डर दे करके। मैं तो कह रहा हूं, मैंने आपको एक सामान्य उदाहरण दिया जो कि रसूखदार परिवार नहीं है, आप उसको न्याय दे दीजिए 48 घंटे में, मैं छोड़ दूंगा डिबेट करना। मैं तो बोल रहा हूं केसी जैन जी संज्ञान लीजिए ना, छोड़ दीजिए रसूखदारों की बात, वो तो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाइयां चलती रहेंगी, सामान्य व्यक्ति और सामान्य नागरिक किससे न्याय मांगेगा? अब क्या उसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया और WHO जाना पड़ेगा एप्लीकेशन लेकर के? जी तो केसी जैन जी, सीधे तौर पर आप पे आरोप लगे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि आपकी कार्यवाही जो हो रही है वो एक तरफा है। हमें एक बात बताइए कि कानून व्यवस्था जो होती है वो सिर्फ माफियाओं से जुड़ी नहीं होती है, कई और भी चीजें हैं, कई और मुद्दे हैं, सामान्य व्यक्ति के मुद्दे भी होते हैं जो इससे जुड़े हुए होते हैं। तो आप एक चीज बताइए, जिस बुलडोजर वाले कानून की आप इस वक्त कसीदे पढ़ रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, उस बुलडोजर वाला कानून बेटियों को सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रहा है? उत्तर प्रदेश में इस वक्त बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है? देखिए किसी जैन जी, 48 घंटे में बुलडोजर चलवा दीजिएगा, मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, सारे तथ्य दे दूंगा, कागजात दे दूंगा। एक तरफ विपक्ष ये कहता है कि आपकी सरकार में सबसे ज्यादा मुकदमे कायम हो रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष ये कहता है कि कार्रवाई नहीं हो रही, मुकदमे नहीं लिखे जा रहे हैं, नहीं हो रही है। अरे जब मुकदमे लिखे नहीं जा रहे हैं, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुकदमे इस सरकार में कैसे कायम हो गए? नहीं नहीं, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ, मुकदमों की भी परिधि होती है ना केसी जैन जी, आप वकील भी हैं। लगातार विवेक जी बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे एक सवाल मैंने पूछा, उसका जवाब देके आप बात घुमा रहे हैं। नहीं, आप 48 घंटे में बुलडोजर चलवाएंगे? आप बोल लीजिए, अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए आप। तो चलिए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं तो पूछ रहा हूँ, 48 घंटे में आप बुलडोजर? बताइए, आपके पदाधिकारी 48 घंटे में बुलडोजर चलेगा? मैं तो इसका जवाब मांग रहा हूँ, एक सामान्य व्यक्ति के परिवार के न्याय के लिए। आपकी बात पूरी हो गई तो मैं बोलूं जी। केसी जैन जी बताइए, देखिए कहीं पर भी अगर कहीं किसी भी जिले में
कोई मामला भी जो ही संज्ञान में आता है तत्काल उस पर एफआईआर होकर के कार्रवाई हो। रही बात ये कि आप अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं, नेताओं पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, देखिए वो नेता हो, अभिनेता हो, अपराधी हो, जो भी कानून के विरुद्ध काम करेगा, क्यों ना हो भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। आपको याद होगा उन्नाव का एक केस, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया, उनकी सदस्यता रद्द की गई और वो जेल में। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं हुई। नहीं नहीं केसी जी, ये गलत बात है, ये गलत बात का मुकदमा था, आरोप प्रत्यारोप अलग जगह है, लेकिन सत्य बोलिए। तो देखिए अब फिर आप लगातार बोल रहे हैं। नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोलिए बोलिए आप बोलिए बोलिए। जिनके ऊपर 376 का मुकदमा था, ऐसे लोग मंत्री बने बैठे रहे, ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया गया, पूरी सरकार चली गई, लेकिन वो मंत्री पद से नहीं हटी। गायत्री प्रजापति जी का मामला ले लीजिए, कोई कार्रवाई समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए नहीं हुई। अच्छा, सजा आपने दिलवाई, लेकिन सरकार जाते ही उनपे मुकदमा दर्ज हुआ, कार्रवाई हुई और वो जेल गए। गलत है, देखिए मुकदमा दर्ज हो गया था, अब ये गलत बात, गलत बात बोल रहे हैं। और अगर ये समाजवादी पार्टी इतनी साफ सुथरी है तो यही आजम खां, यही मुख्तार अंसारी, यही अतीक अहमद, यही गायत्री प्रजापति, इन लोगों को क्यों पालती पोसती रही, क्यों इतनी ताकत दे रखी थी इन लोगों को, इनके खिलाफ कोई एक एप्लीकेशन तक नहीं दे सकता था। आज क्या हो रहा है, आप अपराधीकरण की बात करना चाहते हैं तो रीता बहुगुणा जी का मकान जलाने वाले को आपने पद क्यों दिया, जिनके ऊपर तलवार लटक रही है अभी, और रिवरफ्रंट घोटाले की जांच तो पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। इसीलिए जब रिवरफ्रंट घोटाले में जब जो है आईडी ने छापा डाला वहां पर, तो लगभग 15 से 20 जिलों में छापा पड़े और 4-5 प्रदेशों में छापे एक साथ जब पड़े आईबी के, तो पार्टी पूरी तिलमिला गई और कहा कि आईबी के छापे क्यों पड़ रहे हैं, इसमें पूर्व मुख्यमंत्री का नाम क्यों आ रहा है, इसमें जिसने घोटाला किया उसको आप पकड़िए। तो जो लोग घोटाला किए वही लोग कबूल रहे कि घोटाला किसके कहने से हुआ, किस तरीके से हुआ, और उस पर अभी भी जांच चल रही है। 190 लोगों के खिलाफ उसमें चार्जशीट दाखिल हुई है, उसमें नामजद हुए, तो कोई बचने वाला नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी का ही व्यक्ति हो, अगर उसने गलत किया है तो जिस प्रकार कुलदीप सेंगर के साथ कार्रवाई हुई जी, वैसी ही कार्रवाई आपको लगातार होते हुए दिखाई देगी। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेके मंत्री से लेके नेता तक कोई गलत करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अनुशासनिक लोग रहते हैं और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है जी। तो अनुशासन में रह करके काम करने वाले कार्यकर्ता से लेकर के मंत्री तक अनुशासन में भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं। अगर कहीं दूसरी पार्टी से लोग आए हैं तो तभी आ सकते हैं जब वो अनुशासन में रहना सीख लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो में आपके कहने का मतलब है रीता बहुगुणा जी का जिसने घर जलाया वो अनुशासित हो गया, वो अनुशासित हो गया। कितनी भी आप कितना भी बचाव कर ले, लेकिन 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों का जो इनकाउंटर हुआ, जिनको आप बचा रहे थे, हम किसी को नहीं बचा रहे थे, अगर हम बचा रहे होते तो हम उस पे बात कर रहे होते। जो न्यायालय से जिनके खिलाफ वारंट था, इन्होंने एक जवाब दे दिया। जिस प्रकार से केसी जैन जी, जिस प्रकार से आप दुर्दांत अपराधियों की बात कर रहे हैं, केसी जैन जी, जिस प्रकार से आप दुर्दांत अपराधियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, इस बीच महिला सुरक्षा के खिलाफ आपकी पूरी बात सुनिए, अब आप सुनिए। जिस प्रकार से आपने बोला कि दुर्दांत अपराधियों पर आप कार्यवाही कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं की सुरक्षा कहां जाती है। आप उन्नाव कांड की बात करते हैं, लेकिन ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो लखीमपुर खीरी में देखने को मिला है, उस पर क्या कहेगी आपकी सरकार। उसमें भी मुकदमा कायम हुआ है, जिन तो लोगों इस प्रकार ने किया है उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, कार्रवाई हुई है। महिला सुरक्षा फिर किस बात की, देखिए चुनावी, देखिए चुनाव उसके बाद आप इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं कुछ किया जाता है। बिल्कुल गलत हुआ वहाँ, देखिए लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसको क्या पार्टी ने कहीं पे स्वीकार किया, क्या पार्टी ने कहा कि कहीं पे सही है, क्या मुकदमे नहीं सांसद के भतीजे पे कार्रवाई हुई, नहीं हो रही है सांसद के प्रतिनिधि पे कार्रवाई हुई, मौके पे वीडियो में तो वो भी थे, मुकदमा क्या हुआ, कार्रवाई निर्वस्त्र करने वाले तो वो थे। आप मुझे प्रमाण दीजिए कि सांसद का भतीजा जेल में है,
आप दीजिए प्रमाण। पहली बात तो आप गलत भाषा का नहीं नहीं मैं मैंने गलत भाषा कौन सी, जब आपको सत्य बोलिए तो आपको लगता है कि गलत भाषा का प्रयोग हो रहा है। जिस प्रकार आपका मुख्यमंत्री अमर्यादित भाषा की प्रयोग करता है, आप मुझे बता रहे हैं कि गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। रोकने का प्रयास किया गया मर्यादा और भाषा, पहले आप अपने मुख्यमंत्री को सिखाइए जाकर के, जिसको इतनी तमीज नहीं है कि विपक्ष के नेता के किसी भी परिवार जन के लिए किस प्रकार के शब्दों का संबोधन करना चाहिए। और दूसरी बात, आपने अभी तक आजमगढ़ के उस सामान्य परिवार को न्याय दिलाने के लिए बुलडोजर चलवाने की बात स्वीकार नहीं की, तो ये जुमलेबाजी आप मत बताइए केसी जैन जी। देखिए मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप भी एक अधिवक्ता हैं, आप मेरे मित्र हैं, लेकिन बात अगर तर्क की होगी, बात अगर सत्य की होगी, तो न्याय की लड़ाई में आप स्वीकार करिए कि बुलडोजर चलेगा। विधिक कार्रवाई नहीं, अरे न्यायालय कुछ होता है नहीं होता है। अगर न्यायालय होता है, सुन लीजिए, अगर सारे फैसले न्यायालय से होने हैं तो ये ठोको, ये बुलडोजर, ये क्या न्यायालय के आदेश पे चल रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं केसी जैन जी, अधिवक्ता है, कम से कम अधिवक्ता मर्यादा की तो थोड़ी बात रखिए, अधिवक्ता हित के हिसाब से बात करिए, थोड़ा विवेचना करके बोला कीजिए, कुछ भी बोल देना है, मतलब कुछ भी बोल देना है। ये सारी कार्रवाई क्या न्यायालय के आदेश पे हो रही है? क्या क्या बात करेंगे आप? लाइए आदेश, दिखाइए न्यायालय का, कितने बुलडोजर आपने न्यायालय के आदेश पर चलवाए हैं? आप मतलब अधिवक्ता होकर के ऐसी बात कर रहे हैं, असंयमित भाषा का प्रयोग करेंगे, कुछ भी आप बताइए ना, आप आजमगढ़ में बुलडोजर चलवाएंगे, 48 घंटे में बुलडोजर चलेगा, बताइए ना। अरे केसी जैन जी सुनिए, सत्य यह है, अपराधियों का गढ़ है भाजपा, अपराधियों का संस्कार है भाजपा, अपराधियों की मानसिकता है भाजपा, अपराधियों का गंगाजल है भाजपा, और भाजपा में जाने के बाद हर अपराधी स्वच्छ हो जाता है। एडीआर की रिपोर्ट को आप झुठला नहीं सकते, एडीआर की रिपोर्ट को, इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट को आप झुठला नहीं सकते। और रही बात पिछले हफ्ते से अभी तक आप पांच हिस्ट्री शीतर अपराधियों को ले चुके हैं, आप क्या बात करेंगे? और सही बात है, प्रदेश में तो अपराधी है ही नहीं, क्योंकि सारे अपराधी तो आपकी पार्टी में जा रहे हैं। बिल्कुल सत्य बात है, हम कहां गलत कह रहे हैं? आपकी बात को तो मैं स्वीकार करता हूं, सारे अपराधी तो आपकी पार्टी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। आजम खान जी बाहर नहीं आ जाएंगे। नहीं नहीं, वो न्यायालय का विषय है, वो न्यायालय का विषय है, और हमें बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बढ़िया है कि सारे अपराधी भाजपा में जाएं। मैं तो चाहता हूं सारे अपराधी भाजपा में जाएं, सारे अपराधी भाजपा में जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भाजपा भाजपाइयों के किसी भी अपराधी को स्वीकार नहीं करेगी। और जरा अपना इतिहास भी देख लीजिएगा, आप तो खुद समाजवादी पार्टी में रहे हैं, गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से थे, आप धर्म की बात करते हैं, आपने कल्याण सिंह को क्यों लिया था बताइए ना, कल्याण सिंह कहां से गए थे? तो आप चाल चरित्र चेहरे की बात ना करिए। रही बात कब्जे की, बात कश्मीरी ब्राह्मणों की, बात याद है आपको? कश्मीरी ब्राह्मणों का जब पलायन हुआ, वीपी सिंह की सरकार थी, किसके सहयोग से, किसका समर्थन प्राप्त था? तो बहुत सारी बातें हैं जो अगर आप कुतर्क करेंगे तो तर्क के आधार पर मैं आपको जवाब दूंगा। चाहते थे आज तक पुलवामा हमले का सत्य सामने नहीं आया, लेकिन पेगासस जरूर आ गया, एक एक मोबाइल में घुस करके सबकी निजी गोपनीयता को भंग करने का काम भाजपा ने किया। और दूसरी बात, ये जो अन्न वितरण हो रहा था, सुन लीजिए, अन्न वितरण कार्यक्रम में बार बालाएं क्यों डांस कर रही हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, अन्न वितरण कर रहे हैं ये 200 रुपए का और 2000 का प्रचार कर रहे हैं एक पैकेट के ऊपर। अरे बताइए ना, खैरात का पैसा है क्या? मुफ्त बताते हैं आप, मुफ्त क्या? योगी जी कमा के लाए थे कि मोदी जी कमा के लाए थे? अरे बताइए ना केसी जैन जी, कहां से लेके आ रहे हैं पैसा? पैसा जा कर रहा है, ये मुफ्त का क्या होता है? मुफ्त की परिभाषा बताइए, होर्डिंग लगी है कालिदास पार्क पे, मुफ्त क्या होता है बताइए ना? मोदी जी तो आपके स्वतंत्र देव सिंह कल एक चैनल पे बैठ करके कहते हैं यूपी में महंगाई नहीं, और पहला प्रदेश अध्यक्ष जिसके अपने ही समर्थक उसके ऊपर हंस रहे थे। तो आपके यहाँ तो चाल चरित्र चेहरा और मर्यादा सब ध्वस्त हो चुका है। और रही बात, रुक जाइए सुन लीजिए, बुलडोजर चलेगा तो आपको हम उस श्रेणी से बाहर रखेंगे, आप हमारे मित्र हैं, आप परेशान मत। लैपटॉप पे फोटो छपवाई, जब सरकार हमारी आएगी समाजवादी पार्टी की, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपका ध्यान। अरे आपके वार आप पे वापस पड़ रहे, तो समझ के बोलिए विवेक जी, विवेक जी सोच समझ के बोलिए, जो आप प्रश्न खड़े कर रहे हैं वो सारे काम आप कर चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आपने झोला और गुड़ा जी के फोटो छपवाई, बताइए, अच्छा बताइए, रीता बहु झोला और रीता बहु गुड़ा जी के प्रकरण में जिसका नाम था, क्या वो आरोपी है या नहीं? चलिए काम करिए विवेक जी, आर्गुमेंट करते ही नहीं, आपने जो सवाल किया, रीता बहु गुड़ा जी के प्रकरण में जिसका नाम था, क्या आपने उसको पद नहीं दिया है, क्या आपने उसको शामिल नहीं किया है, और किया तो किस आधार पे किया? फोटो किसने छपवाई थी? चाल चरित्र चेहरा पहले प्रमाणित करिए, फोटो किसने छपवाई थी? अरे बताइए तो पहले, आप बताइए, चाल चरित्र चेहरा प्रमाणित करिए ना। अरे आप बताइए, जो आप सत्ता में, आप सरकार में,
आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि महंगाई नहीं है, आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं 12 बजे 1 बजे महिलाएं सड़क पे निकल सकती हैं। मैं इन्हीं से पूछ लेता हूं कि आपकी हिम्मत है कि आप लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के किसी भाग में 1 बजे आप सड़क पर निकल जाए, बताइए ना। महिलाएं चलिए इन्हीं से सवाल पूछ लेता हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, बिल्कुल यही तो दुख है, यही तो दुख है कि समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो 10-90 होता, 100 होता, 112 होता, महिला सुरक्षा की बात होती। आप भिक्षुक शक्ति के नाम पे केवल और केवल उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। महिला पुलिस, महिला पुलिस पुलिस पुरुषों के साथ काम करने को तैयार नहीं है। विवेक जी, विवेक जी, जिस महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, जब आपकी सरकार थी 2017 से पहले आपकी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया था? 10-90 आपने जरूर चलाए, लेकिन आज अगर उसी 10-90 पर फोन करते हैं तो फोन रिसीव तक नहीं होता है। नहीं हो रहा है, ये जवाब दें कैसी जैन जी? जब आपकी भी सरकार थी, नहीं नहीं तो पूछिए ना, प्रभावित क्यों किया? एम्बुलेंस खड़ी है, हमने तो एम्बुलेंस भी दी थी, लोग एम्बुलेंस मांग रहे थे, एम्बुलेंस खड़ी है बिना तेल के, देखिए सड़ रही है। उसके बाद सुन लीजिए, इनोवा खड़ी है, हमने तो डायल 100 रिस्पांस टाइम 10 मिनट के अंदर किया था, आज 15-15 मिनट तक नहीं आती है डायल 100, ये तो ये बताएंगे ना। और सबसे बड़ी बात बताइए, 200 रुपए साइकिल भत्ता मिलता है यूपी पुलिस को पेट्रोलिंग करने के लिए पूरे महीने का, और ये 100 रुपए के ऊपर तो पेट्रोल बेच रहे हैं, इनको कोई सरोकार ही नहीं है। मैंने इनको सुझाव दिया था, शराब के ऊपर 100 रुपए बढ़ाइए और तेल के ऊपर 25 रुपए 50 रुपए घटा दीजिए, लेकिन इनको नशा वृत्ति से सरोकार है। लॉकडाउन के बाद सबसे पहले इन्होंने शराब की दुकानें खोली थी, तो मैं तो कह रहा हूँ लेकिन ये करने की क्षमता रखे ना। विवेक जी, जिस कानून व्यवस्था की आप दुहाई दे रहे हैं, एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी को चुना किसी जैन जी, एक मिनट, मैं आपके पास वापस आऊंगी। विवेक पांडे जी, विवेक पांडे जी, जिस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपकी सरकार ने बहुत काम किए थे, वही आपकी सरकार जब थी उस कानून व्यवस्था के बीच मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वही बीते दिनों जब आपका कह सकते प्रदर्शन चल रहा था सपा का, साइकिल रैली में उन्नाव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते, किस कानून, जोड़ दे रहा हूँ, कन्नौज और आगरा में भी, उसके बाद कन्नौज और आगरा में भी, और आप ये भी बताइए कि जब वो पकड़े गए तो वो भाजपा के कार्यकर्ता निकले, एसपी के सामने उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, वो भाजपा के कार्यकर्ता निकले, मैंने इसीलिए जोड़ दिया, कन्नौज आगरा दो जिले जोड़िए ना, और वो सब भाजपा के वहां के पदाधिकारी निकले युवा मोर्चा के। और इसी क्रम में और सुन लीजिए, ये बात करते हैं कार सेवकों की, मैं खुले मन से आज बोलता हूं, ये आरोप लगाते हैं कि कार सेवकों की हत्या करवाई गई, चलिए ठीक, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, कार सेवक अगर उस दिन रामलला का केवल नाम लेकर के गए थे तो उनके हाथ में चीनी हथौड़ी कैसे आई, गोलियां चली तो उनका नेतृत्व करने वाले किसी नेता को क्यों नहीं लगी, और कार सेवक अगर मरे तो अयोध्या में उनके परिवारों को बसाने के लिए योजना क्यों नहीं चलाई गई, जिन कार सेवकों ने अपनी शहादत दी उनके परिवारों के लिए क्या व्यवस्था की भाजपा ने, क्या उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, क्या उन कार सेवकों को पेंशन मिल रही है, क्या कार सेवकों के लिए उपवन मनाया गया, क्या कार सेवकों को बसाने के लिए वहां पर प्रावधान किया गया, लेकिन कार सेवकों की हत्या करवा करके, कार सेवकों को उत्साह करके, रामलला के नाम पे भक्ति का ढोंग दिखा करके भाजपा वाले ने उनको आगे किया और जो वहां पे कानून व्यवस्था की सिचुएशन पैदा हुई। और सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, वही अगर विपरीत समुदाय था तो इन्होंने क्या किया, सीएए एनआरसी के समय आपने भी देखा है, अगर उस दिन वहां पे विपरीत समुदाय होता तो क्या किया जाता, एक कार सेवकों को केवल और केवल उत्साह कर अपने राजनीतिक लक्ष्यों के लिए बलि की भेंट चढ़ा गए, लेकिन उन परिवारों की सुध नहीं ली। मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ, ये धर्म की बात करते हैं, राम मंदिर के नाम पे इन्होंने चंदे वसूले, 1300 करोड़ का आरोप संत समाज ने लगाया कि भाजपा ने चंदे में झाड़मेल किया, उगाही की और उसमें भ्रष्टाचार हुआ, जांच नहीं कराई, और अभी जमीनों का मामला उसमें इन्होंने संपत्ति को हटा दिया लेकिन बचाने का पूरा प्रयास किया, तो बताइए ना कार सेवकों के लिए आपने क्या किया, कार सेवकों के हक के लिए आपने क्या किया, बताइए आप, जो लोग शहीद उनको शहीद का दर्जा देते हैं, कार सेवक स्मृति उपवन मनाते हैं, मूर्तियां लगवाते हैं जाकर के, जो कार सेवक शहीद हुए, जो कार सेवक मृतक हुए उनकी मूर्तियां लगा देते हैं, तब पता चलता कि आप रामलला के भक्तों के लिए समर्पित थे। ये केवल और केवल एक काम करते हैं, जातिगत राजनीतिक मुद्दे पैदा करके दंगे कराने का काम करते हैं, यही इन्होंने मुजफ्फरनगर में किया था, और अगर मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो उसके जिम्मेदार केवल भाजपा के वो नेता थे, विधायक थे, संगीत सोम जैसे, जिनके ऊपर आज ही अपने केस वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। बनने की कोशिश ना करें। नहीं नहीं, आप हमको मत समझाइए, आपकी ये परियोजना सबके सामने है, और एक बात सुन लीजिए, कोई भी नागरिक उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का, आप मुझे बताइए ना कितने कार सेवक शहीद हुए थे, कितने कार सेवकों को गोली लगी, और कार सेवकों का नेतृत्व करने वाले नेता कहां चले गए थे, कार सेवकों को लीड करने वाले नेता क्यों नहीं गोली खा करके गिरे, बताइए आप मुझे, नेता भाग गए। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, भाजपा लेती है श्रेय
कि राम मंदिर वो बनवा रही है? मुद्दा अगर कोर्ट से ही हल होना था, अगर सुप्रीम कोर्ट से ही मुद्दा निपटना था, तो आपने कार्यकर्ताओं को उकसा करके दंगा क्यों किया? बताइए आप दंगा ही लोग हैं जी। ये समाजवादी पार्टी का मंच रही है, आप एक घंटा तक भाषण देते रहेंगे? ये आपका भी मंच नहीं है, ये आपके भी खरीदी हुई गोदी मीडिया नहीं है, ये निष्पक्ष चैनल है, यहाँ पे निष्पक्ष बात हो रही है, निष्पक्ष जवाब दीजिए ना। बताइए ना कितने कार्यसेवकों के परिवारों को बसा रहे हैं आप, कितने कार्यसेवकों के परिवारों को मुफ्त निवास दे रहे हैं आप अयोध्या में, कितने कार्यसेवकों के परिवारों को पेंशन दे रही है भाजपा? बताइए, हत्या तो आपने करवा दी ना आगे करके उत्साह के धर्म के नाम पे हत्या आप लोग। विवेक पांडे जी चौधरी जी, कैसे जैन जी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और ताजा मुद्दा बताना चाहती हूं। आगरा से यह मुद्दा सामने आया है, जहां पर भाजपा नेता शिवराम है, जिनका एक ऑडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां पर वो अधिकारियों से रफा दफा और उनको मैनेज करने की बात कर रहे हैं। ऐसा ऑडियो उनका वायरल हो रहा है, जहां आप एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, वहां आप ही के नेताओं की इस तरीके से ऑडियो वायरल हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो भी विधायक हैं, अगर इस तरीके का कोई ऑडियो उनका वायरल हुआ है, ऑडियो ओरिजिनल है, सारी परिस्थितियों की जांच करते हुए बिल्कुल उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व तो उनको बुला करके भी बात करेगा कि इस तरीके की स्थितियां क्यों है और वास्तविक कारण क्या था जी। अगर इसके आप... पहले भी कई भारतीय जनता पार्टी के, सुन लीजिए मेरा जवाब सुन लीजिए जी जी बिल्कुल, इसके पहले भी कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस तरीके की क्लिपें जारी की गई, लेकिन आधी अधूरी बात जारी की गई। जब शिकायत पार्टी मुख्यालय तक पहुंची, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय बंसल जी जो कि हमारे संगठन मंत्री हैं, और साथ ही साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बुला करके जब सवाल किया, सारी चीजें सामने आई, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक दोषी नहीं पाए गए और केवल आधी अधूरी बात दिखाई गई जी। आधे अधूरी कैसे जान जी, आधे अधूरे बयान की बात कर रहे हैं आप? अगर आधा अधूरा बयान भी चलाया जाएगा तो पैसे देकर मैनेज करने की बात आधे अधूरे स्टेटमेंट में भी साफ तौर पर समझ में आती है कि भाजपा नेता किस ओर इशारा कर रहे हैं। आधा अधूरा अगर बयान भी होता है, देखिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं इस ऑडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले के ऑडियो की बात कर रहा हूँ। इस ऑडियो की भी जांच होकर के बिल्कुल कार्रवाई होगी, तो फिर किस बात की जीरो टॉलरेंस और कानून व्यवस्था की आप दुहाई दे रहे हैं फिर? देखिए जी जी, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि आपने जो सवाल किया है उसका मैं स्पष्ट जवाब दे रहा हूँ कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व बिल्कुल इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के से कार्रवाई विधायक के खिलाफ करेगा, अगर वो जो जांच में दोषी पाए जाते हैं तो। दूसरी बात ये कि अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी सीना ठोक ठोक के कह रहे थे कि हाँ हमने गोलियां चलवाई कार्यसेवकों पे, आपने कार्यसेवकों के लिए क्या किया, सैन्य हथौड़े लेके जाएंगे तो गोलियां चलेंगी, ये क्या है? ये नहीं चाहते थे भगवान राम का मंदिर बने? अगर वहां पे गलत था, अगर वहां पे मस्जिद सही थी, माध्यम से चाहते थे जो आज हुआ, मस्जिद थी अगर वो सही थी, को छोड़ करके सड़क पे उतरना दंगा कहलाता है, और आपने खुद सीएए एनआरसी के समय आंदोलन जीवी चंदा जीवी और जैसे शब्दों से किसानों को भी नवाजा है। विवेक जी शांत हो जाइए, किसी जज को बात नहीं करनी चाहिए। चार तरफ कहां नहीं, नहीं, अभी किसानों को आपने धमकी दी, अभी आपने किसानों को एक मीम्स बना करके धमकी दी है कि यूपी लखनऊ मत आना, यूपी मत आना, वरना बक उतार दी जाएगी। आप किसानों को हाथ लगा के दिखाइए। मैं लॉग आउट हो जाऊं, ये कौन सा तरीका इनका, ये बोलते जा रहे विवेक जी, तो झूठ परोसेंगे थोड़ी सुन लेंगे हम। शांत हो जाइए विवेक जी, हां बात बुलडोजर पे तेल पड़ेगा, बुलडोजर पे कब चलाएंगे? बात सही है, अच्छा बुलडोजर कब चलेगा बताइए, नाराज मत होइए। विवेक जी इनको बात पूरी करने दीजिए प्लीज। औकात और हैसियत की बात करेंगे, औकात करेंगे तो मुझे लगता है कि ये दूसरी तरफ हो जाएगा। जवाब यही कह रहा हूँ, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। हमारे राजनीतिक विभेद है, व्यक्तिगत नहीं, राजनीतिक विभेद है, हमारे राजनीतिक विभेद है, व्यक्तिगत नहीं है। आपके अंदर अगर सुनने की क्षमता नहीं है तो क्यों सवाल करते आप? जवाब सुनिए ना विवेक जी। आपने कहा खेली हथौड़ी लेके गए, आपने कहा इसलिए मैंने गोलियां चलवाई, सपा ने इसलिए कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, हथौड़ी लेके जाएंगे गोली चलवा देंगे आप, गोली चलवा देंगे आप, कितने लोग उसमें से लेके गए थे छोनी थोड़ी? गोली प्रोटेस्ट हो रहा था, आपने चिन्हित किया करवाया था, आपने गोलियां नहीं चलवाई थी, फिर आप बोल रहे हैं सीएए एनआरसी के प्रोटेस्ट में गोलियां नहीं चली थी, किसान आंदोलन पे गोलियां नहीं चली,
किसान आंदोलन पे कार्रवाई नहीं की गई। मेरे पास समय की कमी है, प्लीज आप चर्चा कहते हैं, डर रहे हैं आप? नहीं, हम तो चुनौती दे रहे हैं। झूठ पकड़ा दिया था कि ढांचा आपने गिराया ही नहीं, भाजपा कहां से आ गई? वो तो शिवसेना ने किया था। शिवसेना के कितने पदाधिकारियों को आपने समिति में रखा? आप तो धोखेबाज लोग हैं। शिवसेना ने तो जिम्मेदारी भी ली, आपने तो हलफनामा दायर किया था कि हम तो थे ही नहीं। एक सेकंड विवेक जी, आप सीधे तौर पर अपनी पार्टी को क्लीन चिट दे रहे हैं, वहीं आप ये भी भूल जाते हैं कि आप पर भी सीधे तौर पर आपकी पार्टी पे इस तरीके के आरोप लगे हैं कि आपके दबंग यादव थाने में घुसकर सरेआम पुलिस वालों को धमकी देते हैं। वहीं एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर आजम खान एसडीओ को साफ तौर पर धमकाते हुए नजर आए थे। तो किस तरीके से आप अपनी पार्टी को क्लीन चिट दे रहे हैं? क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, और मैं आपको जिम्मेदारी से बात बता दूं, जिन घटनाओं की आप बात कर रही हैं ना, मैं मौजूदा सरकार की, अभी कुछ दिन पहले यही गाजीपुर थाने में विधायक जी बैठे थे कुर्सी पे, एसएचओ और एसआई बैठे थे सामने, तो थानों को प्रभावित कैसे कौन कर रहा है वो तो आप बखूबी जानती हैं। आप चले जाइए, एक एफआईआर लिखवा दीजिए, आप देख लीजिए जातिवादिता कितने चरम पे है। बनारस में अभी एक मनोज सरोज का प्रकरण चल रहा है, मनोज सरोज को जाति आधार पर केवल बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए बदायूं ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि उसके लिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड ने बाकायदा कार्रवाई करने की बात की है। दोनों को बोलने का बंद करूंगी। केसी जैन जी, इस वक्त मैं विवेक पांडे सवाल कर रही हूं, उनको उनका जवाब देने दीजिए। एक सेकंड में आऊंगी आपके पास। चुप करिएगा। अरे मेरा टर्न है तो मैं ही बोलूंगा ना, मैं क्यों चुप हो जाऊंगा? केसी जैन जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगी, एक सेकंड आप शांत हो जाइए। विवेक पांडे जी को उनका जवाब पूरा करने दीजिए। राम मंदिर के आड़ में आपने हिंसा भड़काई और जाति हिंसा आज भी भड़का रहे हैं, वो स्वीकारनीय नहीं है। और मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं, भाजपा तो पार्टी तक नहीं थी। क्या बात करेंगे आप? कमलेश तिवारी पे बात करिए ना, करेंगे कमलेश तिवारी पे बात करेंगे आप उससे? अखिलेश यादव जी ने 12 गनर दिए थे कमलेश तिवारी को, और योगी जी ने आते ही 2 ले लिए, मात्र 2 गनर थे। क्यों? और जिस दिन उनकी हत्या हुई उसी भी वो गनर नहीं थे वहां पे, क्यों बताइए ना? कमलेश तिवारी की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, क्यों नहीं जांच बिठाई आपने आज तक, क्यों मुख्यमंत्री मौन रहे बताइए? बात करेंगे भक्तों की आर में, ये जो अपराधियों को आप पाल रहे हैं ना, संतों में और अपराधियों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। शंकराचार्य के पैर छूए जा करके, वो संत है, वो हमारे धर्म गुरु है, आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य, वो हमारे जगत गुरु है। मेरे पास समय की कमी है, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। मैं आप लोगों से फाइनल कमेंट जानना चाहती हूँ। केसी जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से इस वक्त जनता के लिए एक बड़ा मुद्दा आप लोग कानून व्यवस्था का लेकर आए हैं, आपका साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में है, क्या लगता है कि आपकी पार्टी को आगामी चुनाव में इसका साफ तौर पर फायदा देखने को मिलेगा? क्या जनता आप पर भरोसा जताएगी? देखिए, जनता ने हमको एक ये बड़ा मुद्दा था, सारे मुद्दों के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरे, प्रकार से सरकारी संपत्तियों पे, गरीब असहाय लोगों की संपत्तियों पे, खेतों पे, बागों पे समाजवादी पार्टी के लोग लगातार कब्जा कर रहे थे, उससे जनता ने त्रस्त होकर के, और कार्रवाइयां भी नहीं हो रही, और अगर कोई मुकदमा लिखाने जाता था तो थाने से ही उसको घसीट लाया जाता था, और साथ ही साथ डीएमएसपी की आंखें फोड़ देते थे ये लोग, और पुलिस कर्मियों के हाथ पैर तोड़ देते थे ये लोग। कई पुलिस कर्मियों का मर्डर करने का काम समाजवादियों ने किया। अच्छा, इससे जनता ने त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है, और हमने 100 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों को मारा है, जो 1-1 लाख के इनामी थे, उनका इनकाउंटर भी हुआ है, और बाकी 4,000 लोग जेल में भी है ऐसे दुर्दांत अपराधी। जनता को हमने भयमुक्त शासन दिया है, जनता को भयमुक्त शासन हमने दिया है। बाहर से ऐसी स्थिति में, बाहर से हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी हम लेकर के चल रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमको एक बार फिर से 2022 में सिरमाथे बैठाएगी और हम जनता के लिए काम करेंगे। जी ठीक है। विवेक पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था इस वक्त यूपी में ध्वस्त हो चुकी है, जनता भी इस बात को साफ तौर पर देख रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव में जो ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है, क्या ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर सामने आएगा, और क्या जनता इस बार आपकी पार्टी पर इस पूरे मुद्दे को लेकर विश्वास जताने वाली है? जिस तरीके से आपका 2017 से पहले का रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में क्या लगता है जनता का रुख किस ओर दिख रहा है? देखिए, ये बहुत ही बड़े जुमलेबाजी और सर्कसबाजी अगर आपको देखनी है तो भाजपा के प्रवक्ताओं को सुनिए। आजकल आप, इनकी शासन और संचालन इतना बढ़िया है कि
कोई भी डीजीपी के पद पे बैठ करके सोशल मीडिया पॉलिसी बना देता है, जिसको कि संवैधानिक अधिकार नहीं है कानून बनाना, राज्य का विषय होता है, और उसके आधार पे अगर सिपाही जिससे ये कानून व्यवस्था संचालित कराना चाहते हैं वो अगर अपनी मांगों को दरकिनार होता देख करके सोशल मीडिया पे शांतिपूर्ण तरीके से विधिपूर्ण तरीके से कोई बात सरकार की संज्ञान में डालते हैं तो इनके अधिकारी उस पर कार्रवाई करने लगते हैं, क्योंकि पत्र में लिखते हैं कि विभाग के आंतरिक बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित करना, तो ये समस्याओं पे काम नहीं करना चाहते। 200 रुपए का राशन बांटेंगे और 400 रुपए का प्रचार प्रसार की सामग्री उस पर होती है, तो जनता कहां ठगी जा रही है पहले तो इसको समझिए आप। पीपीई किट से लेकर के जूते मोजे तक के घोटाले किस तरीके से किए गए वो आप जानती हैं, और कानून व्यवस्था दुरुस्तीकरण तो ये सरकार कर ही नहीं सकती, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी, बॉर्डर स्कीम उत्तर प्रदेश की जब तक है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सरकार किसी की हो संचालित नहीं होगी। दूसरी बात, 2800 ग्रेड पे की मांग उत्तर प्रदेश पुलिस की है, जब तक वो पूरी नहीं होगी पुलिस के जवान संतुष्ट नहीं होंगे, वो केवल ड्यूटी करेंगे, जिम्मेदारी से आप उनसे उम्मीद छोड़ दीजिए। तीसरी बात, जब विपक्ष कोई सुझाव देगा तो ये उसको पूर्वाग्रह की राजनीति से लेते हैं, क्योंकि ये आत्ममुग्धता से प्रेरित है। ये वो लोग हैं जो ठुकराए हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं दरकिनार किए हुए लोग हैं। 15 सालों तक इनकी पूछ नहीं थी, इन्होंने कहा ना जनता ने हटाया, तो ये भी मानेंगे 15 साल इन्होंने खूब आतंक मचाया इसीलिए इनको जनता ने बाहर रखा है ना। और अभी इन्होंने जाते जाते आजमगढ़ वाले प्रकरण पे मुझे नहीं दिया जवाब, तो सामान्य नागरिक सामान्य जनता इस सरकार से किसी भी प्रकार के न्याय की उम्मीद ना करे। और मैं बखूबी कहता हूं समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी, और माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बन के आएंगे हम दिखाएंगे कि बुलडोजर कैसे चलता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आज सपा से विवेक पांडे जुड़े हुए थे, साथ ही हमारे साथ भाजपा से किसी जैन जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस वक्त सरगर्मियां तेज हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी एक अहम मुद्दा लेकर आई है, कानून व्यवस्था का मुद्दा, जिस पर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर स्कीम का इस वक्त हर जगह तारीफ हो रही है और कसीदे पड़े जा रहे हैं। जिस तरीके से बाहुबलियों और माफियाओं के पैरों के नीचे से इस वक्त जमीन खिसक चुकी है, अरबों की काली संपत्तियां भी जमींदोज कर दी गई हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को यह उम्मीद लग रही है कि आगामी चुनाव में इस चीज का उसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। वहीं विपक्षी दल भी लगातार इस बात की आवाज उठा रही है कि इस वक्त कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी है, जो कानून व्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है वो बेहद ही खराब स्थिति में है। ऐसे में आगे आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनता की राय आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या है, जनता क्या सोचती है, और आगामी चुनाव में किसका पलड़ा भारी देखने को मिलता है, यह बहुत ही देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही, आप जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।